जाता है बिकॉज आई वॉज अबाउट टू स्टडी बट देन ही सेड आना आना सो आई केम एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा लग रहा है. लेट मी टेल यू, कल मेरा एग्जाम है, फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं मेरे. आई लव डिज्नी प्रिंसेसेस लाइक एनी थिंग. सो मेरा कल एग्जाम्स है, सो यू कैन इमेजिन मुझे कितना पसंद है डिज्नी प्रिंसेस देखना. एंड ऑब्वियसली इसे क्रेडिट जाता है बिकॉज आई वॉज अबाउट टू स्टडी बट देन ही सेड आना आना सो आई केम एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. ये पढ़ने नहीं देता विशाल, बिल्कुल नहीं पढ़ने देता. सच बात तो ये है कि ऐसा ही कोई मौका होता है जब हम अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों गवाए. फैजल है, अशनूर है और मैं हूँ, तो हम सब साथ में मिले थिंकिंग कि हमारे साथ में और हमारी एज ग्रुप के हो गए. बट यहाँ पर जब आए हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सीनियर लोग हैं हमारे से. और बाकी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है, सच में मुझे, मैंने सिर्फ स्टोरी सुनी है और देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सिर्फ सुना है मैंने कि वहाँ पर एक बीस्ट होता है एंड देन वो लव हो जाता है. एंड यस, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो कैसे दिखेगा. आई हैव सीन द एनिमेटेड वर्जन and I'm really really excited to see the real version. So yeah. Emma Watson के कितने बड़े फैन हैं आप लोग अगर मैं बोलूँ? Harry Potter से नहीं, actually Harry Potter की almost सारी series हमने देखी है. तब से ही हम लोग उनके फ़ैन हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे, लाइक अभी भी छोटे ही हैं, तो वही लोग होते थे जो मूवीज़ में आते थे और हमें अच्छा लगता था उन्हें देखकर. सो फैन मीन्स हम लाइक वी लाइक हर.